नाउ अभी हम पहुंच गए हैं वहाँ पर स्टेशन में। अभी स्टेशन से हमको पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद तभी हम बॉर्डर के साइड में आ सकेंगे। और इधर दिखने में है ये बॉडगज, एक बड़ा बॉडगज, बहुत पुराना है। तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे पैदल। आप थोड़ी देर में देख सकते हो एक गेट जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है, जो गेट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। वो गेट से जो माल ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है वो वीक में 2 डेज आते हैं जाते हैं। ओके, साइड में इतना सा जगह है, उधर से जाएंगे ऐसे करके। दिखा रहे हो दीपांशु? हाँ, तो इधर गिर गए थे, उठ गए क्योंकि ये पत्थर का सब है ना ट्रैक के ऊपर से। तो उसका पापा बोल रहे हैं उस साइड से जाने के लिए, तो हम लोग उस साइड चले जाएंगे। अभी उस साइड जाएंगे तो ट्रैक के ऊपर से ही जाएंगे। हाँ, उधर से ही जाएंगे हम लोग। तो अभी कोई ट्रेन आना जाना नहीं है, इसलिए ट्रैक के ऊपर से हम लोग चले। तो इधर होते हैं ख़त्म, जहाँ पर आप देख सकते हो एक गेट, वो गेट उधर तक ही इंडिया ख़त्म है। तो हम लोग उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या ये है गेट। बहुत अच्छा देखने में, मैं पहली बार देखी हूँ ये गेट। बॉर्डर जो है, बॉर्डर मैं पहले उसके पहले देखी हूँ, लेकिन अभी ये बॉर्डर जो है ना वो मैं पहली बार देख रही हूँ। और जितना शूज का पापा तो पहली बार ही देख रहे हैं। जगह बहुत अच्छा लगा, शांत है, कुछ लोग आते हैं घूमने के लिए। तो इधर को घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक वगैरह नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा ऐसे मतलब फ्लैग के कलर से बना हुआ है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आपको भी देख, आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग तो हमेशा देखभाल के लिए हमेशा हाजिर है। ये लोग को एक बारे में कुछ बोलना तो कम हो जाएगा, तो इनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो इनका जो कैंप है बहुत दूर है, ये लोग खाने के लिए जाते हैं उधर, फिर दूसरा कोई रहते हैं गार्ड देने के लिए। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिश्ता है वो ठीक ठाक ही है, इनको कुछ तकलीफ़ नहीं होता है, इनका कोई परेशान नहीं होता है उनके तरफ से, तो ठीक ठाक ही है। दीप्तांशु का पापा उनको समझा रहे हैं कि वो जो जगह है वो कितना दूर है। पैसेंजर ट्रेन वगैरह जाते हैं, लेकिन कोई आदमी इधर से उधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जगह जो है वो ट्रेन के लिए ओनली बना है। इधर से कोई, इधर जो अंदर जो है ना, अंदर ये लोग वो जो तो फिर एक टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर काम करने के लिए जाते हैं अंदर, वो जो खेती वगैरह करते हैं। तो खेती करने के बाद फिर चले आते हैं, उनका भी टाइम रहता है। तो अब देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा सकती हूँ, वो एक और एक चेक पोस्ट है, जहाँ पर वो जो ब्लू कलर का आप देख सकते हो वहाँ पर चेक पोस्ट है। उधर से ही बांग्लादेश शुरू होते हैं, और ये बीच का जो जगह है ये हम लोग का है। उधर से बांग्लादेश, इधर पैसेंजर ट्रेन पहले चालू था, कोरोना के वजह से बंद हो गया। तो हम लोग इधर से, हम लोग बॉर्डर अभी जाएंगे, जो बॉर्डर देख सकते हैं, ये तो गेट है जो है, ये इनका पूरा बैरिकेड करवा हुआ है। तो ये तार से कुछ वोल्टेज वगैरह रहते हैं। तो विलेज राधिकापुर लिखा हुआ है। तो
ये बॉर्डर है। ऐसे बॉर्डर बहुत बहुत दूर दूर से बना हुआ है, मतलब आप इधर ये रोड पकड़ के, ये जो साइड में रोड देख रहे हो, ये रोड पकड़ के किधर भी जा सकते हो, इतना दूर बॉर्डर बना हुआ है। और खेती ये साइड में सब खेत वगैरह है, ऐसा नज़र आ है बहुत अच्छा। ठंडा का मौसम है ना, तो घूमने के लिए इस टाइम बहुत अच्छा है, टाइम घूमने के लिए। ये पूरा नज़ारा है, ये सिर्फ लोग इधर हमेशा रहते हैं। अब जाने का टाइम हो गया है, ये चीज़ दिखा रही हूँ जो चावल वगैरह कैसे दोनों को, उनका पापा उनको ट्रेन के बारे में समझा रहे हैं। राधिका कपूर एक्सप्रेस है जो शाम को छोड़ेंगे, अगर वो खुल जाएगा ना, खुल देगा ना, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अगर उसने नहीं खोला, सपोज ए ब्रेक किया, ए ब्रेक किया, अरे देखो रे, ये ब्रेक किया तो फिर ये बॉडी मूवमेंट में है ना, इस पे धक्का मारेगा, लेकिन इसमें जो पिस्टन है ना, पिस्टन इसमें से धक्के से बचाएगा, ये वाला थोड़ा सा इधर आएगा और फिर खुल जाएगा। ब्रेक से ब्रेक तो सामने वाला मारता है ना, तो ब्रेक तो मारता है, तो इतना मास है ना, तो उसका जो मोमेंटम रहता है ना, बहुत रहता है। उतना पीछे वाला को धक्का नहीं लगता है, ऐसा है। और पापा? क्या है? वो गाड़ी में रहता है ना, ट्रेन जब जार्किंग करता है ना, जार्किंग मतलब जैसे कि अप एंड डाउन होता है ना कोई ट्रेन लाइन में, तो उसका जो मूवमेंट, और उसका इंजन ड्राइवर मैं तो अभी ये जो गेट है, इधर से वो जो खेती वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, इधर से निकलते हैं। इधर टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना टाइम उनको जाना है, कितने टाइम में आना है, पूरा लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, दूसरा मैं दिखाऊंगी। इधर लिखा हुआ है कितने टाइम पे आप जा सकते हो, कितने टाइम पे आ सकते हो, लेकिन वो काम करने के लिए, ओनली खेती वगैरह करने के लिए। और ये नज़ारा है गांव का नज़ारा, तंशु को उसको एक पत्थर तो छोड़ना है उस दिन, थोड़े टाइम के लिए भी हम लोग थोड़े टाइम के लिए भी एंजॉय कर रहे थे। दीप्तांशु को गांव दिखाना था, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम लोग थोड़ी टाइम के लिए भी अच्छा लगा देख के। तो हम लोग को अभी जाने का टाइम हो गया है, हम लोग को जाना पड़ेगा अभी। बहुत अच्छे से घूमे, अभी जाने का टाइम।